टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में कोरोना काल को देखते हुए हर संडे एक डेट फिक्स किया गया है। हर वार्ड में सफाई कर्मचारियों को लेकर लगाकर पूरे वार्ड की कचरे की साफ सफाई का अभियान शुरू किया गया है। पिछले दिनों रसीद कंपाउंड में सफाई अभियान शुरू किया गया था और आज नगर सेवक सानू पठान, नगर सेविका फरजाना शेख के पति शाकिर शेख, इन लोगों ने अपने अपने वार्डों में साफ सफाई का अभियान शुरू किया था। वहीं शिमला पार्क के इलाके में इमरान सुरमे के वार्ड में भी साफ सफाई किया गया। इस अभियान में कई बिल्डिंग व मस्जिद व गलियों को सैनिटाइज किया गया। लगभग सैकड़ों सफाई कर्मचारियों को लगाया गया था फायर ब्रिगेड की टीम व नगर सेवक सानू पठान के अलावा समाज सेवक शाकिर शेख व अन्य कार्यकर्ता इस अभियान में शामिल रहे। खासकर इस अभियान की मार्गदर्शन गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवार्ड कर रहे हैं। सुनिए नगर सेवक सानू पठान से बातचीत में क्या कहा है। देखिए, ऐसा ये सफाई अभियान नहीं है, ये सफाई के साथ साथ सैनिटाइजर और जो डेंगू और मलेरिया की जो छिड़काव है वो भी मुंब्रा कोसा के हर पैनल और हर वार्ड वाइज किया जा रहा है। माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के मार्गदर्शन में पूरे मुंब्रा कोसा के अंदर जितने भी प्रभाग है, जितने भी पैनल है, जितने भी वार्ड है, राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस, पैनल कांग्रेस और हमारे जितने सभी सरकारी जिम्मेदार हैं, जो पदाधिकारी मिलकर स्थानिक लोगों की मदद से हर जगह पे सैनिटाइजर, सफाई, डेंगू मलेरिया का छिड़काव, जो जो ज़रूरत लगती है, जो जो इंसान को सफाई के लिए, जो बीमारी से बचने की जो भी चीज़ें लगती है, वो सारी चीज़ हम इस कैंप के इस अभियान के जरिए करने वाले। कहाँ कहाँ पे सफाई अभियान शुरू? अभी पहले रशीद कंपाउंड में हुआ है, दूसरा ये है इमरान सुरमे के वार्ड में, फिर कौसा के सामने के पट्टे में यूनिस भाई के इधर, फिर इंशाल्लाह ताला मुंब्रा स्टेशन। सानू भाई, नगर सेवक का काम क्या है वो आप बताइए, और उसके बाद जो ये जो साफ सफाई अभियान चालू हुआ है इतनी देरी क्यों हुई, इसके पहले भी एक बात मैं आपको बता दूँ। नगर सेवक का काम क्या है ये मत बोलिए, नगर सेवक का हर वो काम है जो आवाम को जरूरत है। नगर सेवक का कोई काम के थप्पा नहीं कि नगर सेवक अगर गटर के लिए जरूरी है तो वो राशन कार्ड बना के नहीं देना चाहिए, और राशन कार्ड बना के देना चाहिए तो वो किसी के दुख में नहीं देना चाहिए। नगर सेवक जनता के सबसे करीब चुनाव हुआ एक नुमाइंदा है, जो सबसे पहले जाना चाहिए वो नगर सेवक होना चाहिए। ये साफ सफाई का अभियान एक तरफ से देखा जाए कोरोना महामारी इतना फैली हुई है, ये पहले कदम उठाना चाहिए, तो ये देरी क्यों हुई? देखिए एक बात बताता हूँ, कोविड के बाद ये कदम अगर है तो बहुत अच्छा कदम है, ताकि कोविड से लड़ते लड़ते दूसरी बीमारी डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी हमको जकड़े ना, उस बीमारी के जकड़ते ही हमको कोविड होने की संभावना है। इसलिए सफाई अभियान हम सभी पार्टी वर्कर और सभी पदाधिकारी लोग मिल के कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है और आपसे ये मीडिया के माध्यम से मेरा एक संदेश है कि कई ऐसी जगह है जहाँ हम नहीं पहुँच पाते, हमको आप बताएंगे। आने वाले वक्त में हम राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस और कांग्रेस राष्ट्रवादी पैरेंट कांग्रेस मिलकर हमारे सभी नगर सेवक के साथ, हमारे जिम्मेदारों के साथ मिलकर हम लोग हर वो जगह पर जाएंगे जहाँ पे ये गंदगी और बीमारी की जड़ है। जहाँ जहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी देखती है वहाँ पे बिल्डर काम नहीं, मगर वहाँ पे आपके पीछे ही आप देख सकते हैं जैसे इतना कचरा, तो ये काम करने नहीं देंगे, इनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? जैसे ये पीछे कचरा, इसको तीन बार मैंने साफ करा, लेकिन प्रॉब्लम है हमारा ये कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जितनी ही नगर सेवक से लेके राजनीतिक पार्टी, जितने ही समाज सेवा के लोगों की जिम्मेदारी उतनी हमारी भी है। हम दोनों के साथ से मिलकर अगर काम करेंगे तो काम जल्दी होगा और लंबा चलेगा।